हेल्पर की जॉब के लिए रूस गए भारतीयों को जंग लड़ने को किया गया मजबूर। भारतीयों को किसने धोखे से जंग लड़ने भेजा, चलिए आपको बताते हैं रूस की वैगनर आर्मी में कैसे हुई भारतीयों की एंट्री। नमस्कार, टीवी 9 दिल्ली एनसीआर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। 24 फरवरी यानी कल रूस यूक्रेन जंग को 2 साल हो जाएंगे। रूसी आर्मी के यूनिफॉर्म में भारतीयों को रूस यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात किया गया है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर रूस यूक्रेन वॉर में वैगनर आर्मी की यूनिफॉर्म में भारतीय क्या कर रहे हैं। जंग के मैदान के बीच रशियन आर्मी की यूनिफॉर्म में भारतीयों का होना वाकई हैरान करता है। जंग के मैदान से ये भारतीय खुद को बचाने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ऐसे 4, 5 या 6 लोग नहीं बल्कि 60 से ज्यादा भारतीय युवा हैं जिनके साथ धोखाधड़ी की गई। वैगनर आर्मी में भारतीय मोहम्मद सुफियान ने सबसे पहले इस धोखाधड़ी का खुलासा किया। सुफियान ने रूसी सैनिक के फोन से घर वालों को मैसेज भेजा। सुफियान ने मैसेज में लिखा, मैं यूक्रेन बॉर्डर से 40 किलोमीटर दूर हूँ, हमें मर्जी के खिलाफ जंग में भेजा जा रहा है, हम किसी भी कीमत पर भारत लौटना चाहते हैं। दरअसल वॉर जोन में फंसे भारतीयों ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। वॉर जोन में फंसे लोगों ने आरोप लगाया है कि एक एजेंट ने उन्हें फंसाया है जो बाबा ब्लॉग्स नाम से यूट्यूब चैनल चलाता है। आरोपी के यूट्यूब पर 3,04,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। आरोपी ने 26 सितंबर 2023 को रशिया आर्मी जॉब्स नाम से एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो के जरिए इसने लोगों को बताया था कि रूस में कई तरह की आर्मी जॉब्स और हेल्पर जॉब्स की वैकेंसी है, लोग आसानी से रूस जाकर लाखों रुपए कमा सकते हैं। इस वीडियो में भी यूट्यूबर ने लोगों को बताया है कि वो आर्मी की जॉब करके पैसे कमा सकते हैं। बाबा नाम के इस यूट्यूबर ने भारतीयों को रूस भेजने से 3 महीने पहले ये वीडियो पोस्ट किया था। अब आखिर भारतीय इस झांसे में फंसे कैसे? एजेंट इन्हें 18 दिसंबर 2023 को चेन्नई से मॉस्को ले गया। 28 दिसंबर 2023 वैगनर में इन्हें भर्ती करवाया। सिक्योरिटी जॉब के नाम पर धोखा किया गया। एजेंट ने 3 लाख रुपए लेकर रूस भेजा और अब बिना ट्रेनिंग के भारतीय वॉर जोन में फंसे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि रूसी विदेश मंत्रालय से बातचीत की जा रही है और जल्द ही वहां जो भारतीय फंसे हैं उन्हें निकालने की कवायद भी शुरू हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि नौकरी के नाम पर लोग वहां हेल्पर की जॉब करने गए थे और उनके साथ धोखाधड़ी की गई और वो सारे युवा जो अनट्रेन्ड है, जिन्होंने ट्रेनिंग भी नहीं ली और वो अब रशियन आर्मी में भर्ती हैं और रूस यूक्रेन वॉर में वो वॉर जोन में तैनात है। वॉर जोन में आपको बताएं कि रूस में कई सैनिकों की लगातार मौत की खबरें आती हैं। अगर ऐसे में किसी की मौत हो जाती है तो उनके जो घर वाले हैं जिन्होंने उन्हें पैसे कमाने वहां भेजा है, वो अपने बच्चे को, अपने बेटे को, अपने परिवार के एक सदस्य को जरूर खो देंगे। तो आप ऐसी धोखाधड़ी से जरूर सावधान रहे और ऐसे नौकरी के नाम पर कहीं भी जाने से पहले उसकी अच्छे से जाँच पड़ताल जरूर कर लें।